हेलो एवरीवन, दिस मंच मोगी। आज हम करेंगे क्लास 7 सब्जेक्ट मैथ्स चैप्टर 2 फ्रैक्शंस एंड रैशनल नंबर्स असाइनमेंट 2.6। लेट्स स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 8। अब देखो 7th क्वेश्चन में हमने क्या किया था, असेंडिंग ऑर्डर। असेंडिंग ऑर्डर में हमने क्या किया था, छोटे से बड़े की तरफ गए थे। पहले सबसे छोटा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा। अब हमने क्या करना है, डिसेंडिंग ऑर्डर। डिसेंडिंग ऑर्डर में हमें बड़े से छोटे की तरफ जाना है, ठीक है। मीन्स पहले सबसे बड़ा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा। ध्यान रखना, डिसेंडिंग मीन्स डाउन साइड, डाउन नीचे जाना है, बड़े से छोटे की तरफ जाना है, ठीक है। फर्स्ट पार्ट है हमारा -2/3, 5/8, 2/-5। सिंपल ऑर्डर, जो माइनस है, माइनस को हमने ऊपर लेके जाना है, ठीक है। फर्स्ट स्टेप में सबसे पहला जो स्टेप है हमारा, माइनस को हमें ऊपर लेके जाना है। ले गए, माइनस ऊपर चला गया। इसके बाद हमने क्या करना है, इन सबका एलसीएम लेना है। 3, 8, 5। अब यहाँ पे देखो 3, 8, 5 किसी भी सिंगल टेबल में नहीं आते, तो जो ऐसे नंबर्स होते हैं जो एक टेबल में नहीं आते हैं, हम उनको सीधा ही मल्टीप्लाई करते हैं। कितना आ जाएगा देखो, 3, 8 जा 24। 24 को अगर हम 5 से करें, 120। तुम्हारा एलसीएम कितना आ गया, 120। जब ऐसे नंबर्स होते हैं जिनको हम सीधा ही मल्टीप्लाई करते हैं, तो जब हम इसको 3 से डिवाइड करेंगे, 120 को 3 से डिवाइड करेंगे, तुम्हारा जो आंसर आएगा वो इतना आएगा, 8 × 5 मीन्स 40 आंसर आ जाएगा, ठीक है। 40 × 2 कितना आ गया, -80। अगर नहीं समझ आना तो आप क्या करो, 120 को 3 से डिवाइड कर लो, 3, 4 जा 12 और ये 0 ऊपर चला गया, तो 40 आ गया। 40 को हमने 2 से मल्टीप्लाई कर लिया, -80 आ गया। अगर हम 120 को 8 से डिवाइड करेंगे, 8 से डिवाइड कर दिया, तो हमारा आंसर कितना आना चाहिए, 3 × 5 = 15। करके देख लेते हैं, 120 / 8, 8 × 1 = 8, 8 × 5 = 40, 15 आ गया। 15 × 5, अगर आपको 15 का टेबल आता है तो सीधा ही पता है, 15 × 5 = 75। नहीं आता है तो आप मल्टीप्लाई करके देख लो, ठीक है। अब 120 को 5 से डिवाइड करेंगे तो कितना आंसर आना चाहिए हमारे पास, 24। 5 से डिवाइड किया ना हमने, तो 24। अगर आपको सीधा नहीं आ रहा तो आप कंफ्यूज हो रहे हो, तो आप डिवाइड कर लो, 5 × 2 = 10। 24 × 2 कितना आ गया, 48 − 48। अब हमें क्या करना है, डिसेंडिंग ऑर्डर। अब हमें पहले सबसे बड़ा देखना है। अब इन दोनों में क्या है, नेगेटिव का साइन है, ठीक है, ये छोटे हो गए। 75 में नेगेटिव का साइन नहीं है, तो इसका मतलब ये हमारा सबसे बड़ा है। सबसे बड़ा, अब उससे छोटा, बड़े सबसे बड़े से छोटा, मींस -80 और -48। तो -48 दोनों में, इन दोनों को अगर हम कंपेरिजन करें तो ये बड़ा हो गया ना, ठीक है। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, पहले -48, इसके बाद -80 बचे। अब वही सेम रूल हमने क्या करना है, यहां से फर्स्ट लाइन के अकॉर्डिंग हमें अरेंज करना है डिसेंडिंग ऑर्डर। तो पहला हमारा क्या, 75 इस लाइन में देखिए, 75 सेकेंड लाइन सेकेंड नंबर पे आता है, और यहाँ कहा आएगा 5/8। यहाँ पे देखो इन दोनों में -48 यहाँ पे रहा थर्ड नंबर पे, यहाँ पे क्या आ जाएगा, -2/5। लास्ट में आए हमारा -80 रहा इधर फर्स्ट नंबर पे, इसके अकॉर्डिंग क्या आएगा यहाँ पे, -2/3। तो ये हमारा क्या हो गया, डिसेंडिंग ऑर्डर, क्लियर। अब देखते हैं सेकेंड पार्ट, लेट्स स्टार्ट सेकेंड पार्ट। -5/3, -13/15, माइनस नीचे आ गए, इसको ऊपर ले जाओ। अब क्या करेंगे सेकेंड स्टेप में, 3, 15 और 5 का एलसीएम ले लेंगे। 3 × 3 = 3, 3 × 5 = 15, ये दोनों 5 पे चले जाएंगे। अब हमारा एलसीएम कितना आ गया, 3 × 5, ठीक है। और सीधा भी देख सकते हैं, देखो जो बड़ा नंबर है वो 3 से भी डिवाइड हो रहा है, 15 3 से भी डिवाइड हो रहा है और 5 से भी डिवाइड हो रहा है, इसका मतलब हमारा एलसीएम कितना आ गया, ठीक है। और फाइंड भी कर सकते हैं, 15 / 3 कितना आ जाएगा, 5, 5 × 5 = 25, माइनस लगे -25। 15 को 15 से डिवाइड करो, 1, 13 × 1 = 13।
फाइव से डिवाइड करेंगे थ्री, थ्री टू जो सिक्स। अब यहाँ सारों में ही माइनस है, ठीक है। अब इसमें जो सबसे छोटा है वो सबसे बड़ा है, तो इन दोनों तीनों में सबसे छोटा कौन है? माइनस सिक्स, इसका मतलब माइनस सिक्स सबसे बड़ा है। माइनस का साइन लगे ना, तो पहले लिख देंगे माइनस सिक्स, इसके बाद माइनस थर्टीन, इसके बाद माइनस ट्वेंटी फाइव। यहां तक हो गया। इसके बाद वही लाइन हमें इस लाइन क्वेश्चन वाली लाइन के अकॉर्डिंग हमें यहाँ पे अरेंज करना है। माइनस सिक्स, माइनस सिक्स कहां से आया? टू बाय माइनस फाइव, तो पहले नंबर पे आएगा टू बाय माइनस फाइव। इसके बाद थर्टीन, माइनस थर्टीन या ये रहा हमारा सेकेंड नंबर पे, यहाँ पे क्या है? माइनस थर्टीन बाय फिफ्टीन। अब देखो माइनस थर्टीन के बाद क्या है हमारे पास? माइनस ट्वेंटी फाइव। माइनस ट्वेंटी फाइव यहाँ पे फर्स्ट नंबर पे है, तो यहाँ पे क्या है? माइनस फाइव बाय थ्री, तो माइनस फाइव बाय थ्री ये लास्ट किया जाए। ये हमारा हो गया डिसेंडिंग ऑर्डर, ठीक है। टू बाय माइनस फाइव, फिर माइनस थर्टीन बाय फिफ्टीन, और उसके बाद माइनस फाइव बाय थ्री। लेट स्टार्ट द थर्ड पार्ट। लेट्स स्टार्ट थर्ड पार्ट। सेम वे 11, 5 और 3 का हम ले लेंगे एलसीएम। अब देखो यहाँ पे 11, 5 और 3 एक टेबल में नहीं आ रहे, नहीं आ रहे तो क्या सीधा मल्टीप्लाई कर दो, कितना आ जाएगा? 11, 5 जब 55, और 55 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, कितना आ गया? 165। 165 एलसीएम आ गया। इसको 11 से डिवाइड करेंगे तो कितना आंसर आना चाहिए? 5 3 जो 15 आना चाहिए, ठीक है। डिवाइड कर लेते हैं, 11 हो जाए 11, 15 आ गया। 15 मल्टीप्लाई 7 कितना आ गया? 15 7 जाए 105, ठीक है। इसके बाद 5 से डिवाइड करेंगे तो हमारा आंसर आना चाहिए 11 3 जो 33। डिवाइड करके देख लो, 5 3 जा 15, 5 3 जा 15, ठीक है। 33 मल्टीप्लाई 3 कितना आ जाएगा? माइनस 99। अब 3 से डिवाइड करेंगे तो कितना आंसर आना चाहिए? 55। 165 डिवाइड बाय 3, 3 5 जा 15 और 3 5 जा 15, 55 आ गया। 55 मल्टीप्लाई 2 110, यहाँ माइनस का साइन है, ये माइनस का साइन आ गया। अब हमें डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है। पहले सबसे छोटा देखना है, पहले सबसे बड़ा देखना है, पहले सबसे बड़ा देखना है। तो सबसे बड़ा हमारे पास क्या है? 105। इसके बाद इन दोनों में कंपेयर करें तो 99, सबसे छोटा ये आ गया, ठीक है। अब इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग अरेंज करते हैं तो सबसे बड़ा कितना है? 105। तो ये कहां से है हमारा? 7/11। इसके बाद 99 सेकेंड नंबर पे है, माइनस 3/5। इसके बाद माइनस 110, तो सेम वे बिल्कुल क्वेश्चन सेम टू सेम आ गया, तो ये हमारा आ गया डिसेंडिंग ऑर्डर। लेट सी द नेक्स्ट, लेट स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 9। फाइंड 10 रेशनल नंबर्स बिटवीन 6/7 एंड -5/7, ठीक है। इस टाइप के क्वेश्चन फर्स्ट टाइम आ रहे हैं आपके पास। अगर ये सिंपल क्वेश्चन होता कि राइट 10 रेशनल नंबर्स, 10 की जगह पे 5, 4, 3 कितने भी पूछ सकते हैं वो, ठीक है। या 10 नंबर रेशनल नंबर्स बिटवीन 0 एंड 10। अब 0 और 10 के बीच में हमें रेशनल नंबर्स फाइंड करने हैं, 10 नहीं है, या रेशनल नंबर भी मत लो। राइट नंबर्स बिटवीन, ठीक है, 0 एंड 10, 0 और 10 के बीच में नंबर्स बताओ कितने हैं, ठीक है। ये सिंपल एग्जांपल है, तो 0 को भी छोड़ना है और 10 को भी छोड़ना है। तो 0 और 10 के बीच में कौन कौन है आपको पता है? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ये नंबर हो गए ना। अब इन्हीं में कह दिया रेशनल नंबर फाइंड करो। अब किस किस के बीच में फाइंड करने हैं? 6/7 और -5/7। तो सबसे पहले हमें इनका डिनोमिनेटर सेम करना होता है। डिनोमिनेटर सेम करने के लिए हम एलसीएम ले लेते हैं। अब यहाँ पे 7 और 7 दोनों ही 7 है, तो इनके एलसीएम तो 7 ही आ गया, तो ऊपर हमारे कितने आ गए? 6 और -5, ठीक है। अगर हम इसको नंबर लाइन पे देखें तो 6 हमारा इधर आएगा राइट हैंड साइड पे,
और -5 आ गया हमारा लेफ्ट हैंड साइड पे, क्योंकि जीरो के लेफ्ट हैंड साइड में हमारे नेगेटिव नंबर्स होते हैं और राइट हैंड साइड में हमारे पॉजिटिव नंबर्स होते हैं, ठीक है। तो अगर मैं यहां से लिखना शुरू करूं लेफ्ट साइड से, तो क्या लिखेंगे, -4 -3 -2 -1 0, इसके बाद 1 2 3 4 5 6 हो गए। इसके बीच में नंबर्स कितने नंबर्स हैं, हमें 10 नंबर्स चाहिए, और ये नंबर्स कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ही नंबर्स हैं, हो गया। अगर हम इसको राइट साइड से लिखना शुरू करें तो क्या लिखेंगे, 5 4 3 2 1 0 -1 -2 -3 -1, ठीक है। तो यहाँ पे 6 क्या है, पॉजिटिव का नंबर है, तो वहां से शुरू कर सकते हैं प्लस वाली साइड से, तो क्या लिखेंगे, 5 4 3 2 1 0, इसके बाद क्या आएगा, -1 -2 -3 -4, -5 को छोड़ना है और हमें 6 को भी छोड़ना है, इनके बीच वाले रेशनल नंबर्स फाइंड करने हैं। अब इनका डिनोमिनेटर एलसीएम कितने, 7, तो सबके नीचे आपने कितना लिखना है, 7, ठीक है, ये आपका आंसर आ गया। आप चाहो तो इसको यहाँ से भी स्टार्ट कर सकते हो, -5 लेफ्ट साइड से, -4 पहले आ जाएगा, उसके बाद -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5, और उनके नीचे क्या लिखना है, 7 7 लिखते जाना। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 9। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।